हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युवांशी फैशन। आज मैं आपको गणगौर माता की और ईसा जी की ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो हमारे पास जो घर के अंदर छोटे छोटे जो फैब्रिक रहते हैं, उन्हीं से हम यहाँ पर गणगौर माता और ईसा जी की ड्रेस बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये बचा हुआ जो हमारे पास फैब्रिक था ब्लाउज के अंदर से, मेरे यहाँ पर ये बचा हुआ फैब्रिक था, तो मैं इसको यहाँ पर पहले इसको कट करके और इसको बराबर कर लूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पर गणगौर माता का लहंगा तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से दोनों जो हमारे टुकड़े हैं, इनको हमने यहाँ पर कट करके और इनको बराबर कर लिया है। हमें चारों तरफ से इनको बराबर कर लेना है और लेंथ आप आपके अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि मेरी यहाँ पर गणगौर माता की जो मूर्ति की जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं है। इसमें मेरे पास ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसमें लेंथ कम ही ले रही हूँ उनकी। तो आप यहाँ पर इसलिए लेंथ इसकी ज़्यादा लीजिएगा, आपकी मूर्ति के अकॉर्डिंग लीजिएगा लेंथ। और मैंने यहाँ पर इसके चारों तरफ से इसको कट कर लिया है और फिर यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ भी ले ली है। मूर्ति के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लेंथ ले ली है, आप भी आपकी मूर्ति के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ले लीजिएगा। और अब मैंने यहाँ पर इसको नीचे से कट कर दिया है और इसको बराबर कर दिया है। तो हमारे पास ये दो फैब्रिक है, दो टुकड़े हमारे पास में। तो अब हम यहाँ पर इसको सिलाई करके इसमें जोड़ लगाएंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है और हम इसको इस तरह से सीधा करके इसके ऊपर भी हम इसमें सिलाई लगाएंगे, ताकि ये मजबूत हो जाए हमारा फैब्रिक। और ये इस तरह से हमने जोड़ लगा के एक लंबा सा फैब्रिक बना लिया है इसके अंदर। ये हमारे इस तरह से एक लंबा फैब्रिक आ गया है। अब हम इसमें छोटे छोटे से चुनगट भरेंगे और चुनगट भर के इसमें लहंगे के तैयार करेंगे। तो हमें अब इसके अंदर छोटे छोटे से चुनगट भरने हैं। ये हमने इसके अंदर चुनगट भर दिए हैं। अब ये जो हमारी साइडों के अंदर से इसके अंदर ये फैब्रिक है, इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके यहाँ पर इसमें फिनिशिंग लेकर आएंगे। तो हमें यहाँ पर डबल फोल्ड करके और फिर इसके अंदर हमें सिलाई लगानी है। मैंने यहाँ पर इसमें डबल फोल्ड कर दिया है दोनों किनौरी के अंदर। हमें दोनों तरफ इसके अंदर फोल्ड करना है। मैंने दोनों तरफ फोल्ड कर दिया है और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। और अब हम यहाँ नीचे की तरफ से इसको फोल्ड करेंगे। हम यहाँ एक एक फोल्ड करके और इसमें सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारे नीचे की तरफ भी इसके अंदर फिनिशिंग आ जाएगी और फिर जो हमारा वेस्ट है वो निकलेगा नहीं, इसमें से कोई भी धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। इसलिए हम सिर्फ इसको एक बार ही इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और इससे जिससे हमारे इस लहंगे के अंदर फिनिशिंग आ जाएगी। ये हमने इसके अंदर सिलाई लगा दी है और अब मैंने यहाँ पर ये लेस ली है। इस लेस को लगाऊंगी मैं यहाँ नीचे की तरफ, और ये मेरे पास लेस का ये टुकड़ा था, तो मैं इस लेस को यहाँ नीचे की तरफ लगा दूंगी, जिससे हमारे इसके अंदर लहंगे के अंदर बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा। ये मैंने इसके अंदर लेस अटैच कर दी है और अब हम यहाँ ऊपर की तरफ इसके अंदर नेफा अटैच करेंगे। तो हम इस तरह से रख लेंगे हमारे लहंगे को और फिर इसके नाप के, और फिर हम इसको कट कर लेंगे। इसके नाप के हमें थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ले लेना है फोल्डिंग के लिए, और फिर हम यहाँ थोड़ा सा जैसे हमारा फोल्ड हो जाए, तो मतलब जो भी हम पिन सेफ्टी पिन वगैरह घुसाए वो घुसा के हम इसके अंदर से जो भी नाड़ा निकालेंगे तो वो घुस जाए, इतना हमें इसमें चौड़ा लेना है सिर्फ। तो हम यहाँ पर इसको मैंने इसको कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर 2.5 इंच चौड़ा मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है, कट करा है 2.5 इंच चौड़ा मैंने फैब्रिक कट करा है, और हम इसको इस तरह से सिलाई कर देंगे ऊपर की तरफ से। ये मैं इसमें सिलाई कर दी है और दोनों तरफ हम पहले इसमें साइड में फोल्ड करेंगे। ये आपको पहले कर लेना है, नेफा अटैच करने से पहले दोनों तरफ साइड के अंदर आपको सिलाई लगानी है। मैं इसके अंदर लगाना भूल गई थी साइड के अंदर सिलाई, ये आपको पहले लगा लेनी है साइड में सिलाई। अब मैंने दोनों तरफ लगा ली है और अब हम इसमें पहले तो एक स्मॉल फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद में एक फोल्ड करके और इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा नेफा लग जाएगा। हमें पहले तो एक स्मॉल फोल्ड करना है और फिर उसके बाद में हमें फोल्ड करना है इसको। हम इसकी चौड़ाई इतनी रखनी है कि इसमें एक सेफ्टी पिन आ जाए। तो ये हमारे इस तरह से नेफा लग गया है और ये हमारा इतना सुंदर लहंगा बनके तैयार हुआ है गणगौर माता का। ये हमारा इस तरह से इतना सुंदर लहंगा बनके तैयार हुआ है। मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ और विड्थ मेरी मूर्ति के अकॉर्डिंग ली है। मेरी मूर्ति ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए मैंने इसलिए छोटा ही लहंगा बनाया है। आप आपकी मूर्ति के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ और विड्थ लीजिए। अब हम इसकी चुन्नट तैयार करेंगे गणगौर माता की। तो मेरे पास ये इस तरह से फैब्रिक का टुकड़ा था,
तो अब हम मैंने यहाँ पर इसे चारों तरफ से इसको कट कर लिया है, जो इसमें वेस्ट निकल रहे थे एक्स्ट्रा उनको मैंने कट कर लिया है इसमें। और अब हम यहाँ पर साइड में इसके, ये मेरे पास लेस थी तो हमें सेम इसमें चारों तरफ एक जैसी लेस लगानी है, और सेम मैं इसे मैच करती हुई लेस लगा के और हम इस चुनर को तैयार कर लेंगे गणगौर माता की। तो मैंने यहाँ पर ये इस तरह से लेस ले ली है और मैं यहाँ पर इसमें चारों तरफ ये लेस अटैच कर दूंगी। ये मैंने यहाँ पर चारों तरफ ये लेस अटैच कर दी है और ये हमारी इस तरह से चूनड़ भी तैयार हो गई है गणगौर माता की। अगर आपको ये इस तरह से ये ड्रेस बनाना अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी चूनड़ तैयार है इसकी गणगौर माता की। यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ ली है 4 इंच और विड्थ मैंने 4 इंच ली है और लेंथ मैंने 13 इंच ली है। यहाँ पर मैंने इसकी चुनर की विड्थ 4 इंच और लेंथ 13 इंच ली है। यहाँ पर मेरा लहंगा और चुनर तैयार है। अब ब्लाउज तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारी इसकी पूरी फैब्रिक की चौड़ाई है 9 इंच और इसको मैंने फोल्ड कर दिया है और एक बार हम इसको और फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। हम आगे और पीछे की दोनों की कटिंग एक साथ करेंगे इसके अंदर। और यहाँ से मैंने इसकी नेक कट कर दी है और साइड में से मैंने इसके आर्म होल कट कर दिया है। ये मेरे आगे का और पीछे का हिस्सा, दोनों हिस्से तैयार हो गए कट होके। ये आगे और पीछे के हिस्से दोनों हिस्से तैयार हैं और अब हम इनकी कटिंग हमारी लाइनिंग के ऊपर करेंगे। ये हमारा डबल है, लाइनिंग हमारी डबल है। अब इसके ऊपर हम एक हिस्सा रख देंगे और फिर इसको रखकर और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमें सेम टू सेम कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने फैब्रिक की कटिंग की है सेम हमें सेम टू सेम वैसे ही इसमें लाइनिंग की भी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर आप इसमें इसकी ब्लाउज़ की, लहंगे की जो भी कटिंग करो वो आपकी मूर्ति की लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग कीजिएगा। यहाँ पर मेरी छोटी है मूर्ति, इसलिए मैं यहाँ पर छोटी बना रही हूँ इसकी ड्रेस। तो मैंने यहाँ पर ये इसकी लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है और अब हम इनकी सिलाई करेंगे। तो हम जो सीधा हिस्सा है वो तो हम बीच में रखेंगे और उल्टा हिस्सा ऊपर और नीचे रखकर इसमें सिलाई लगाएंगे और बॉटम हिस्से में नीचे ओपन रखेंगे। और ये फ्रंट हिस्सा और ये जो बैक हिस्से में, हम इसमें बीच में से कट लगाएंगे इसमें, क्योंकि हम बैक हिस्से में इसमें डोरियाँ लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे, चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। ओनली बॉटम हिस्सा है उसको हम ओपन रखेंगे, बाकी की हम चारों तरफ इसमें सिलाई लगा देंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है और मैंने अब बैक हिस्से और फ्रंट हिस्से दोनों हिस्सों के इनको सिलाई लगा के अटैच कर दी लाइनिंग फैब्रिक को। अब हम इसको फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। ये पहले हम फ्रंट हिस्से को तैयार कर रहे हैं इसके, तो मैंने फ्रंट हिस्से को फोल्ड करके सीधा कर लिया है। और अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ इसमें फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ भी हम दोनों हिस्सों को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके और फिर हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे और चारों तरफ भी हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से हमें जो बैक हिस्से के जो हमने दोनों पीस कट करे हैं उनको भी हमें इसी तरीके से फोल्ड करके और इसके ऊपर फिनिशिंग सिलाई लगा के तैयार कर देनी है। ये हमने तैयार कर दिया है इनको। ये हमारे बैक हिस्से फ्रंट हिस्से के सारे पीस कट है। अब हम इनके शोल्डर को अटैच करेंगे। हमें दोनों के शोल्डर को अटैच कर देना है। ये हमने शोल्डर अटैच कर दिया है और हम दोनों तरफ बिल्कुल साइड में सिलाई लगाएंगे, तो बिल्कुल किनोरी किनोरी पर लगानी है हमें, बिल्कुल पास पास में किनोरी किनोरी पे इसमें सिलाई लगानी है इसके अंदर।
और साइड में सिलाई लगा के हम इनके फ्रंट हिस्से बैक हिस्से को ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने साइड में सिलाई लगा दी है और अब हम यहाँ पर ये हमारा इस तरह से ब्लाउज तैयार है। और मैंने यहाँ पर ये डोरी ली है और यहाँ पर मैं 5 इंच लंबी इसमें डोरियाँ कट करूँगी। यहाँ पर मैं 5 इंच लंबी हमें डोरियाँ कट करनी है, तो हमें 4 डोरियाँ कट करनी है, इस तरह 4 डोरियाँ कट करनी है हमें 5 इंच लंबी। ये मैंने 4 डोरियाँ कट कर ली है और अब हम यहाँ पर एक तो ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक हम नीचे की तरफ लगाएंगे। और दोनों दोनों तरफ हिस्से में, बैक हिस्से के दोनों हिस्सों में हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें ये डोरियाँ अटैच करनी है। ये हमारा इस तरह से इसका ब्लाउज भी तैयार है और यहाँ से हम इस पर डोरी बांध देंगे इसकी। ये हमारा इस तरह से इसका गणगौर माता का ब्लाउज भी तैयार है। अभी हमने लहंगा, चूनर और ब्लाउज तीनों तैयार कर लिए हमारे गणगौर माता के। और अब हम इसके अंदर हमारी ईसर जी की ड्रेस को तैयार करेंगे। तो ये जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है इसको लेंगे और इसको फोर फोल्ड कर लेंगे। ये मेरे पास वेस्ट था फैब्रिक, इसको मैंने लिया, इसको फोर फोल्ड कर दिया है और चारों तरफ से हम इसकी कटिंग करके इसको चारों हिस्सों को बराबर कर लेंगे। इसमें ये मैंने कटिंग कर दी है और चारों हिस्सों को बराबर कर दिया है। लेंथ मैंने यहाँ पर इसमें 7 इंच ली है क्योंकि इसकी भी ईसर जी की, इसकी मूर्ति की भी मेरी लेंथ ज़्यादा नहीं है, तो मैंने यहाँ पर इसमें 7 इंच ली है लेंथ। मैं यहाँ पर ईसर जी की शेरवानी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं इसमें जहाँ से हमारे फोल्डेड हिस्सा होता है हमें उधर से कट करना है। जो हमारा फोल्डेड हिस्सा होता है वहाँ से कट करना है, तो हमारा एक पीस तो हमारा फोल्डेड रहेगा और एक ओपन रहेगा हमारा। ये एक तो हमारा इस तरह से ये फोल्डेड है, ये हमारा फ्रंट, ये बैक हिस्सा रहेगा और ये फ्रंट हिस्सा है जो बीच में से कट कर दिया था हमने। तो इसमें हम शेरवानी बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर ऊपर से ओनली नेक 1/2 इंच जितनी कट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ 1/2 इंच जितनी हमें कट करनी है और आगे से हमें पूरी इसकी गोलाई के अंदर कट करनी है। ये मैंने आगे से गोलाई के अंदर कट कर दी है फ्रंट हिस्से की, और बैक हिस्से की हमने 1/2 इंच जितनी कट की है। और अब दोनों हिस्सों को हम साथ में रखेंगे और इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हमने आर्म होल की कटिंग कर दी है और ये जो हमारे फ्रंट हिस्से और बैक हिस्से आए हैं इनकी कटिंग हम हमारी लाइनिंग के ऊपर करेंगे। ये हम इस तरह से अच्छे से सेट कर लेने हमारी लाइनिंग के ऊपर और फिर इसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमने कटिंग कर दी हमारी लाइनिंग की और अब हम इनको अटैच करेंगे। तो जैसे हम ब्लाउज़ के अंदर हमने अटैच किया है हम वैसे ही करना है। हमारे जो सीधे हिस्से हैं वो तो हमारे नीचे की तरफ जाएंगे, जो उल्टा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आएगा। और इस तरह से रखकर हम चारों तरफ इसमें सिलाई लगाएंगे और जो बॉटम हिस्सा है उसको ओपन रखेंगे। और जो ये फ्रंट हिस्से हैं इन दोनों के पहले एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे और फिर इसके बाद में हम यहाँ चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और बॉटम हिस्से को हम खुला छोड़ेंगे। और इस तरह से रखकर हम लाइनिंग फैब्रिक अटैच कर देंगे। ये हमने चारों तरफ सिलाई लगा दी है और अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है फैब्रिक उसकी हम कटिंग कर देंगे इसके अंदर। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके इसको सीधा कर लेंगे। किसी नुकीली चीज़ की सहायता से हम इसकी ये जो कॉर्नर से इसके निकाल लेंगे हम। और जैसे हमने ये बैक हिस्सा हमने अटैच किया है सेम हमें वैसे ही फ्रंट हिस्से को भी इसी तरीके से तैयार करने हैं। जो फ्रंट हिस्से के दोनों हिस्से हमें सेम वैसे ही तैयार करने हैं जैसे हम ये बैक हिस्सा तैयार कर रहे हैं। ये हमने इसके ऊपर फिनिशिंग सिलाई लगा के बैक हिस्से को तैयार कर दिया है और अब हम फ्रंट हिस्से को भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। फ्रंट हिस्से भी तैयार हो गए हमारे, अब हम बैक हिस्से के ऊपर हमारे फ्रंट हिस्से रखेंगे
और इनकी शोल्डर अटैच कर देंगे। ये मैंने इनकी शोल्डर अटैच कर दी है और अब हम यहाँ पर इसमें दोनों तरफ साइड में सिलाई लगाएंगे। इसमें भी हम बिल्कुल किनारे किनारे पर इसमें सिलाई लगानी है क्योंकि जो शेरवानी है तो बिल्कुल ढीली अच्छी लगती है, तो इसलिए हम यहाँ पर साइड में बिल्कुल किनारे किनारे पर इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमने इसमें साइड में सिलाई लगा दी है और मैंने यहाँ पर इस तरह से लेस ली है। मैं यहाँ पर नीचे नीचे की तरफ इसमें ये लेस अटैच करूँगी। जो हमारे बॉटम हिस्सा है शेरवानी का, इसके अंदर हम नीचे नीचे इसमें ये अटैच करेंगे इस लेस को। ये मैंने लेस अटैच कर दी है, नीचे की तरफ लेस अटैच कर दी है और अब ये ऊपर नेक की तरफ मैंने यहाँ पर एक गोल्डन कलर की लेस ली है। इस लेस को अटैच करूँगी मैं नेक पे। ये मैंने इसमें नेक पर भी ये लेस अटैच कर दी है और ये हमारी इस तरह से शेरवानी तैयार है। अब आगे की तरफ हम इसमें तीन हुक लगा देंगे, एक सबसे ऊपर, एक बीच में और एक नीचे। इस तरह से हम तीन हुक लगा देंगे तो हमारी ये इस तरह से शेरवानी तैयार हो जाएगी। और अब हम आगे की तरफ इसमें जो गमछा लगाते हैं वो तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये लेस ली है, ये लंबी ज़्यादा है तो मैं इसको बीच में से कट कर दूँगी और जो इस दूसरी वाली जो लेस है उसमें से ये लेस हटा दूँगी। दूसरी वाली जो है ये इसमें से इस लेस को हटा के मैं इसी लेस में अटैच कर दूंगी। ये मैंने गोल्डन कलर की लेस हटा दी उसमें से और हम इसी के अंदर ये लेस लगा के इसको तैयार कर देंगे। तो हमें ये यहाँ पर लेस अटैच करनी है। ये और अब हम यहाँ पे दोनों तरफ किनौरी में भी इसमें फोल्ड कर देंगे। हमें डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करके और इसमें इसको अटैच कर देना ताकि दोनों तरफ से इसमें फिनिशिंग आ जाएगी, इसमें से धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, फैब्रिक ऊपर नीचे नहीं होगा। तो हमें दोनों तरफ किनौरी में भी इसमें सिलाई लगा लेनी है। और ये हमारे इस तरह से एक गमछा भी तैयार हो गया है इनका। और अब हम इसके अंदर यहाँ पर हमारी पगड़ी तैयार करेंगे हमारी ईसर जी की। तो मैंने यहाँ पर एक तरफ तो बचा हुआ जो हमारा वो लेस हम जो हटाई थी उसमें से बचा हुआ फैब्रिक लिया है और इसमें हम एक तरफ से इसमें सिलाई लगा देंगे क्योंकि एक तरफ हमारी इसमें सिलाई लगी हुई है। तो हम एक तरफ सिलाई लगा के इसमें फिनिशिंग देंगे इसमें और दोनों तरफ किनौरी में भी इसमें सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ किनौरी पर सिलाई लगा देंगे जिससे हमारे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो दोनों तरफ किनौरी के अंदर हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। मैंने दोनों तरफ किनौरी में इसमें सिलाई लगा दी है। अब ये ऊपर की तरफ हम ये लेस अटैच करेंगे। ये हम इसमें ऊपर की तरफ इस तरह से लेस लगाएंगे। ये हमने इसमें लेस लगा दी है और अब हम इसमें साफा तैयार करेंगे। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो हमारा एक हिस्सा है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से साफा तैयार हो जाएगा हमारे ईसर जी का। पहले तो हमें एक बार इसको फोल्ड करना है और फिर इसको अंदर की तरफ कर देना है एक हिस्से को, और एक हिस्से को बाहर की तरफ निकालना है। एक हिस्से को तो हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक हिस्से को हमें बाहर की तरफ निकालना है। और फिर उसके बाद में हम ये जो हिस्सा है जो हमारे अंदर की तरफ फोल्ड किया है उसको हम हाथ वाली सुई से लेके और इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी ईसर जी की पगड़ी भी तैयार हो जाएगी। ये मैंने हाथ वाली सुई लगा के और इसको तैयार कर दिया हमारी इस पगड़ी को भी। ये हमारी इस तरह से ईसर जी की पगड़ी भी तैयार है, ये देखिए। तो ये हमारी
शेरवानी तैयार हो गई, गमछा तैयार हो गया, पगड़ी भी तैयार हो गई। अब हम इसमें लुंगी तैयार करेंगे। तो मैंने ये बचा हुआ फैब्रिक है हमारे पास, ब्लाउज का बचा हुआ फैब्रिक था ये लिया है, इसमें चारों तरफ सिलाई लगा देंगे हम। मैंने यहाँ चारों तरफ सिलाई लगा दी है इसमें, और मैंने यहाँ पर ये डोरी ली है, इसको हम 5 5 इंच 5 इंच जितनी लंबाई में इसको कट करेंगे। तो दो डोरियाँ हमको इसमें कट करनी है, और इनको हम यहाँ ऊपर की तरफ लगा देंगे। दोनों किनोरियों में हमें लगा देनी है, और किनोरियों में लगा के हम इसमें सिलाई कर देंगे। मैंने यहाँ दोनों किनोरियों में ये डोरी लगा दी है, और इसको हम इस तरह से पहना के और पीछे से इसको डोरी बांध देंगे। तो ये हमारी ईसाजी की लुंगी भी तैयार है ये, क्योंकि इनकी मूर्ति जो होती है नीचे से गोल होती है, तो हमने इस तरह से गोली बनाई है इनकी। तो ये हमारी शेरवानी भी तैयार है, गमछा तैयार है, पगड़ी तैयार है, और ये गणगौर माता की ड्रेस भी तैयार है। अब इस ये जो हमने नाड़ा ये जो हमने बेल्ट लगाए, इसमें हम मोली का धागा, इसमें सेफ्टी पिंस की सहायता से मोली का धागा डाल देंगे इसमें। तो ये हमारी ईसर गणगौर की ड्रेस तैयार है। ये हमारी गणगौर माता की ड्रेस तैयार है ये। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। बोलो गणगौर माता की जय।